वेलकम टू माय चैनल 30s रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम वापस एक सुरती वैरायटी सीख रहे हैं जिसे बोलते हैं सुरती पापड़ी तुवेर में मुठिया, मतलब पापड़ी और तुवेर का एक ग्रेवी वाला सब्जी रहेगा, उसके अंदर हम पालक से बना हुआ मुठिया डालते हैं। ये रिक्वेस्ट थी बीजल चौकसी की और बहुत सारे फ्रेंड्स की, इसके लिए मैं आज ये स्पेशली अपलोड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं सुरती पापड़ी तुअर का मुठिया, जिसके लिए हमें लगेगा सुरती पापड़ी, तीन दाना वाला पापड़ी है, जिसे हमने साइड्स का जो रेसा रहता है, नस रहता है, वो ही निकाल लिया है। वो खाली क्लीन करके मैंने ये सारा पापड़ी रेडी कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लेना है और ये सूखा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पापड़ी है 250 ग्राम्स और तुअर दाना है, जिसे सूरत में लीलवा भी बोला जाता है। तुअर दाना है 250 ग्राम्स का, मैंने दाना निकाल लिया है, मतलब अराउंड 100 और 150 ग्राम जितना होगा। तो ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके साथ हमने लिया है ग्रीन लहसुन, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, पालक है, मुठिया बनाने के लिए पालक लगेगी, और उसके साथ है गेहूं का आटा, एक वाटी गेहूं का आटा है तो दो वाटी मैंने रवा लिया है। रवा और गेहूं का आटा मिक्स करके हम मुठिया बनाएंगे। उसके साथ सूखे मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, शक्कर, और ये है अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, हींग है, ऑयल है और पानी। तो फ्रेंड्स, चलो हम बनाते हैं सबसे पहले मुठिया। एक बर्तन में हम पहले पालक लेंगे, पालक को अच्छे से पानी से निचोड़ के लेना है। पालक में ही हम सारा मसाला ऐड करते हैं, नमक अराउंड 1.5 चम्मच, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 1.5 चम्मच, 2 चम्मच शुगर, हल्दी लेना है 1 छोटा चम्मच, धनिया जीरा पाउडर 2 छोटे चम्मच, एक चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, हींग अराउंड 3/4 टेबलस्पून, और साथ में डाल देंगे रवा। लेकिन उससे पहले हम पालक में ये सारा मसाला मैश कर लेंगे। पालक में हम ऑयल डाल रहे हैं, जो हम आटा गूंदने के लिए मोन डालते हैं, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, और बस अभी हम इसमें ऐड करते हैं रवा। एक के बाद एक बॉल मिक्स करेंगे। ये रवा हमने प्रॉपर मिक्स कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया है, जो पालक का और मैश करने के बाद जो पानी छूटा है उसमें ही ये रवा मिक्स किया है। अभी हम इसमें ऐड करते हैं गेहूं का आटा। फ्रेंड्स, गेहूं का आटा ऐड करने के समय ध्यान रखिए, अच्छे से बाइंड हो सके उतना ही गेहूं का आटा ऐड कीजिए, ज्यादा गेहूं का आटा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर एक कप में से बच गया तो प्रॉब्लम नहीं है, हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और मुठिया शेप दे सके उतना ही हार्ड हम ये आटा गूंदेंगे। बस फ्रेंड्स, आधा बाउल जितना और बच गया है गेहूं का आटा। कभी कभी कैसा होता है कि अगर बारिश की सीजन में बनाने जाएंगे तो
पालक वगैरह में ज्यादा पानी रहता है, कभी कोई पालक ऐसा आ गया जिसमें ज्यादा पानी है, तो वो हिसाब से हमें आटा गूंदना है। पालक का ही जो पानी है वही हमें यूज करना है, पालक का पानी ही सिंपल यूज करना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप हमारे हाथ में चिपकता नहीं है आटा, बस ऐसा ही आटा हमें गूंदना है, ना ही इतना कड़क ना ही इतना सॉफ्ट। तो बस इसे हम छोटे छोटे मुठिया शेप देंगे। ये वैरायटी फ्रेंड्स ऐसा है जैसे हम गुजराती दाल ढोकड़ी खाते हैं, दाल रहेगा जिसमें रसा रहेगा, ग्रेवी रहेगा, और जो ढोकली है वो गेहूं के आटे से बना रहेगा। सेम है पापड़ी का सब्जी रहेगा रसा वाला, और उसके अंदर ये मुठिया। अभी हम कुकर में तेल ले रहे हैं, 4 to 5 टेबल स्पून जितना तेल है, जिसमें हम भाजी का वघार करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर हम हींग ऐड करेंगे, अराउंड 3/4 टेबल स्पून। उसके बाद हम तुअर दाना और पापड़ी दोनों ऐड करने के बाद उसके अंदर हम अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर उसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये वेजिटेबल्स और ग्रीन मिर्ची, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो सोते हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जितना ग्रीन लहसुन ऐड कर लेंगे। उसके साथ ही सूखे मसाले, धनिया जीरा, 3 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच रेड चिली पेस्ट। एक चम्मच जितना शुगर है वो भी ऐड कर देंगे। और लास्ट में नमक, 1.5 चम्मच जितना नमक है। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी अराउंड 1 लीटर जितना पानी ऐड करेंगे। रसा वाला सब्जी है और इसके अंदर अभी भी मुठिया पकेगा, इसके लिए हम इसमें पानी ज्यादा ऐड करेंगे। अभी एक उबाल आने दीजिए पानी को। पानी जैसे ही उबलने लगेगा उसके बाद हम मुठिया ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ठंडे पानी में मुठिया ऐड कर दिया तो मुठिया पूरा मैश हो जाएगा, छूट जाएगा पानी में। इसके लिए हम उबलने के बाद ही पानी में मुठिया ऐड करेंगे। अराउंड 5 मिनट के बाद ये पानी उबलना शुरू हो गया है, तो बस अभी हम एक एक करके इसमें मुठिया ऐड करेंगे। ये मुठिया ऐड करने के बाद हम इसे कुकर बंद करके 3 व्हिसल तक पकाएंगे। फ्रेंड्स कुकर खुलने के बाद रेडी है हमारा तुवेर पापड़ी में मुठिया।
उसके ऊपर हम नींबू स्विस करेंगे और हल्का सा कच्चा तेल। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए कच्चा हरा लहसुन। फ्रेंड्स, रेडी है हमारा सुरती वैरायटी तुवेर पापड़ी में मुठिया। इसे आप ट्रेडिशनली बनाना चाहेंगे तो एक पतीले में बनाना पड़ता है, जिसमें पानी उबालना पड़ता है। पानी के साथ मुठिया धीरे धीरे उबलता रहेगा और पकता रहेगा, और साथ ही में पापड़ी भी ऐड करने का है और ऊपर से उसको तड़का देने का है। तो फ्रेंड्स, वो एक ट्रेडिशनल तरीका है जो अराउंड 1.5 से 2 घंटे का समय ले लेता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। वर्किंग वुमन जो रहते हैं वो इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम ये कुकर में बनाते हैं, प्रेशर कुक हो जाएगा, एकदम फटाफट बन जाएगा। अगर बाद में आपको ज्यादा पानी लग रहा है तो हल्का सा उबाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा तुवेर पापड़ी मुठिया। आप भी प्लीज बनाइए, बना के शेयर कीजिए आपके एक्सपीरियंस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल 30 रेसिपी, और प्लीज 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 फेसबुक पे शेयर कीजिए आपके फोटोज।